हाय फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम वेलकम। मतलब आप मुझे वेलकम कर रहे हैं, मैं नहीं। तो मैं आपको पहले पावर कॉर्ड सुनाता हूँ, एक पावर कॉर्ड। बड़ा अच्छा लगा, मुझे बुला लिया था बिग बॉस के घर में। मैं बड़ा खुश था, बड़ी मस्ती में गया मैं। आप सब लोगों ने देख लिया होगा, कल आ गया था टेलीकास्ट। मगर क्या मजे आए हम लोगों को भी उधर, मैंने खूब मस्ती की। भाई जर्नी थोड़ा डिफिकल्ट था क्योंकि मैं काफी काम करना पड़ता है। शॉर्ट तो खाली 10-15 मिनट के होते हैं, मगर पहले हमें 2 बजे बुला दिया गया। 2 बजे हम पहुंच गए, वैनिटी वैन में तैयार हुए और फिर जो इंतजार की घड़ियां शुरू हुई, तो फिर 6 बजे हमें लेके गए सेट के ऊपर। 6 बजे जब सेट पे गए तो बहुत सारे लोग और भी आए हुए थे। विंदु दारा सिंह था साथ में, सारा अली खान, कार्तिक आर्यन, एक और 2-3 और आर्टिस्ट थे, गौतम गुलाटी था। तो ऐसे करके काफ़ी लाइनअप था। तो पहले सेशन में शूट नहीं हुआ, फिर हम वापस गए वैनिटी वैन में। दूसरे सेशन में भी ऐसा ही हो गया। थर्ड सेशन में मतलब रात के 12 बजे हमारा नंबर लगा और तब हमने शूटिंग की और बड़े मजे आए। सबसे पहले तो मैं अंदर गया तो सलमान जी से बड़े प्यार से मुझे ग्रीट किया और जैसे वो कहते हैं मुझे लव यू बहुत कहते हैं, क्योंकि तो बहुत सालों से मैं उन्हें जानता हूँ। तो बड़े प्यार से हम लोग बातें कर रहे थे। काफी कुछ एडिट हुआ है जो कंप्लीट आप लोगों ने देखा नहीं है। जैसे जब उन्होंने पूछा था घर की हालत क्या है, तो मैंने कहा सर झगड़े हो रहे हैं, बहुत झगड़े हो रहे हैं और बड़े मजेदार झगड़े हो रहे हैं। तो उसमें मैंने गाना गाया चाय पे झगड़े हैं, बिग बॉस के घर में चाय पे झगड़े हैं, रोटी पे झगड़े हैं, अंडे पे झगड़े हैं, पानी से झगड़े हैं, फ्राई पैन से झगड़े हैं, बिग बॉस के घर में झगड़े झगड़े हैं। तुम सब चीनी बनकर पानी में घुल जाना, मैं चाय की पत्ती बनकर रंग जमाऊंगा, होश में लाऊंगा, सबको नचाऊंगा, डांस कराऊंगा, चाय पिलाऊंगा, फ्राइंग पैन पे अंडे बनाना सिखाऊंगा, बम चिकी चिकी बम बम बम। और फिर मैंने वो फ्राइंग पैन लेके फटाक मारा अपने आप पर। जैसे वो हम पता फ्राइंग पैन का जो बड़ा हिस्ट्री हो गई है, बेलन की जगह भी फ्राइंग पैन ही यूज होंगे, दैट इज डेफिनेट। आज से ना लोग लेडीज फ्राइंग पैन को लेके घूमेंगे, जिसने कुछ गड़बड़ की घर में फटाक करके फ्राइंग पैन पड़ेगा। पर यही होगा, यही हो झगड़ों का मामला। मैंने कहा फर्स्ट क्लास चल रहा है सर बिग बॉस में, बहुत चलेगा, पीपल आर वॉचिंग एंजॉइंग दिस सर। बोले तुम्हें टास्क कौन सा अच्छा लगा? तो पता है वो कहता है वो पानी वाला। अरे हर वो तो टॉर्चर चैम्बर है। हम वापिस चले गए अपनी वैन में। वैन के अंदर हमें बोला कपड़े बदलो, जैसे होता ना कैदियों को बोलते हैं कि वो चड्डियां पहना देते हैं और वो टी शर्ट पहना देते हैं, वैसे हम लोग कपड़े पहने। आप पहनो जर्सी के बटील की काले काले कपड़े पहन के सर पे साफा बांध के जा रहे हैं, पता नहीं क्या होने वाला है। फिर हमें जाके अंदर डाल दिया, जैसे कहते हैं टॉर्चर चैम्बर। वो बिल्कुल घर के दीवार और वो बिल्कुल पतली सी दीवार है और हम उनको उससे टेलीविजन पे देख सकते हैं पूरी। जैसे उनने सबने देखा मुझे, सब चिल्लाने लग गए, अब वी सब लोग खुश। सलमान ने बोला देखो तुम लोग को तुम्हारी बैंड बजाने में 2 लोगों को भेज रहा हूं। और फिर वो जो क्वेश्चन आंसर शुरू हुए, हमें पता था हर क्वेश्चन आंसर पे हमारे पे शावर पड़ने वाला है। हर क्वेश्चन जो कैसा भी जवाब दो हमें शावर पड़ने ही पड़ने वाला है, कोई तरीका ही नहीं है। पहले पूछा कि वो आपको पारस के माहिरा पारस से छत्र छाया में है या इसी प्रोटेक्टेड बाय। तो मैंने कहा सही बात है, वो प्रोटेक्टेड है। और ये कुछ टेढ़े मैंने आंसर दे रहा था, सिद्धार्थ बता रहा था कि है भी या नहीं भी, मगर मैंने कहा हाँ वो है। उसके खूब झगड़े वगैरह हो गए और मैं तो जो भी बोलूं तो ऊपर से पानी धरा आकर गए और वो पानी इतना ठंडा कि जान निकल जाती है, आई टेल यू। और उस दिन इतनी ठंड थी बाहर, पूछो मत। और उसके बाद कई सवाल पूछे गए जो सवाल आप लोगों ने देख लिए होंगे और किस तरह से हम लोग को जवाब देने पड़े। मैं लगा रहा सिद्धार्थ और शहनाज को बोलते भाई तुम लोग तो अपनी प्यार का इजहार करके कुछ आगे बढ़ लो। एंड थिंग्स हैपेंड, कई चीजें ऐसी है जो मैं एक एक इंडिविजुअल जो वीकेंड वक्के वार पे जो एक्चुअली हुई है चीजें
वो मैं अलग अलग आपसे डिस्कस करूंगा। जैसे सिद्धार्थ और शहनाज का बिहेवियर, जब वो दो लड़के आए थे गौतम गुलाटी और कार्तिक आर्यन, वो एक मैं एपिसोड पूरा आपसे डिस्कस करूंगा, क्योंकि उसमें थोड़ा प्यार की बात है और सिद्धार्थ पे जो रिएक्शन हुआ वो देखने लायक है। फिर मुझे वो भी जिस तरह से सलमान सर ने पारस को डांटा और माहिरा का जो रिएक्शन है, उनकी रिलेशनशिप के आगे क्या है, वो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ। फिर मैं ये भी डिस्कस करना चाहता हूँ कि आसिम का हिमांशी के साथ जो रिलेशनशिप है वो क्या हुआ है, ये सब मैं अलग अलग एक 5-5 मिनट के शॉर्ट में आपसे डिस्कस करूंगा, जो मेरी राय है उसके बारे में, उसमें क्या गाने आते हैं, क्या फिट होते हैं, क्या मस्ती होती है। मगर काफी सीरियस मामले हैं और जो आगे चल के इस गेम को इफेक्ट करेंगे, क्योंकि अगले 3-4 हफ्ते में हर चीज अब पता चल जाएगी कि क्या होने वाला है और कौन जीतने वाला है, क्या होने, ये 3-4 हफ्तों की बात है जिसमें सब क्लियर हो जाएगा। फिलहाल तो मैं जाते जाते आपके सामने गाना गाता हूँ। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना।